पठानकोट में अवैध तौर से बाहरी क्षेत्र से ला भट्टे की ईंटें धड़ल्ले से बेची जा रही हैं, जिसके चलते आज इस अवैध कारोबारियों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस विभाग में फूड सप्लाई विभाग की ओर से दबिश दी गई और अवैध तौर पर जिला पठानकोट में लाई जा रही बाहर से ईंटों को पठानकोट में कब्जे में लिया गया। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए फूड सप्लाई विभाग के अधिकारी ने बताया कि जो ईंटें रीसेल के लिए बाहरी क्षेत्र से पठानकोट में आती हैं, यह गैरकानूनी है, जिस पर कार्रवाई करने के लिए जिला पठानकोट प्रशासन की ओर से फूड सप्लाई विभाग की टीमों का गठन किया गया है, जिसके तहत आज अकालगढ़ व सरना स्थित ईंटों के डंप पर कार्रवाई करते हुए ईंटों को कब्जे में लिया गया और आगामी कार्रवाई विभाग द्वारा शुरू कर दी गई है। अज मौके पर आए हैं, भट्ठे वाले वालों शिकायत थी कि इलीगल जी डंपिंग करके तो ईटा अगर बेची जा रही, तो टीम साड़ी अज मौके पर आई है, ईटा इतों फड़ लिया गई, बाकी जो कार्रवाई बनती है अभी देखे तो डी एफ एस सी सर दे देने, अगे नहीं कर सकते डंपिंग करने तो बाद फिर नहीं कर सकते, सीधी भट्ठे तो ईट जा सकती है जितने जाने, नहीं परमिशन अजय नहीं है, ये कहते है तो दसन भी आपसे नहीं उन्होंने को भी अजे तक कोई कार्रवाई डी एफ एस सी सर दसनगे जी, उन्होंने टीम बनाई है साड़ी, असं मौके पर आए हैं। असी ब्रिक किलोन एसोसीएशन वालों डी सी साहब डी एफ एस सी साहब ए डी सी एक शिकायत पत्र दिता है, जिसे अही उन्होंने दसिया ही बहरले जिलों चो गैर कानूनी इट आ के जी इतने सेल हो रही है, तो डी सी साहब ने टीम बनाई ने जिदे डी एफ एस सी डिपार्टमेंट के तो साढ़े भट्ठे वाले नाल लै गए, उन्होंने कहा सानू उन्होंने कहा वो तुम मदद करो जिते जिते डंप लगते हैं नाल जाके दसो, अज अं इन्हों के नाल आए हैं डी एफ एस सी डिपार्टमेंट वाले, तो एक अं अकालगढ़ गए हैं उत्थे इन्होंने डंप सील किया 1,40,000 रेट ही, उत्थे हूँ अं आए हैं शकुंतला पैलेस के नाल सर ने इतने डंप की है, एक ट्राला जोड़ा वाइट ला भी रहा है पी बी 2215 वो 18,000 रेट ही, वह बिल बच्चे नाल फड़े गए बिल्डिंग होर रेट इन्होंने को पहला भी 15,000 रुपये है, तो डिपा जो मालिक आ डंप का उन्हें कहा जी मैं रीसेल करना वा इट, वो मन गया वा तो इट की इतने जी सपुरदारी है पुलिस को देती है, अगली कार्रवाई जी बनती है वह डी एफ सी डिपार्टमेंट और जड़ा जी रीसेल है जी जड़ा फूड सप्लाई एक्ट है वो मुताबक इट की जी सेल है जिस जिस खसरा नंबर से भट्ठा लगा वा उस खसरा नंबर से सेल कर सकते कि होर सेल नहीं कर सकते, रीसेल इट की नहीं हो सकती, ट्रेडिंग करना ट्रेडिंग करनी जी गैर कानूनी है, तो इन गैर कानूनी काम करना साढ़े भट्ठे वाले का कारोबार जोड़ा वा लगभग बंद पिया वा पिछले 3 महीने तो सानू मजबूर हो गए कार्रवाई करानी पई है, जो अगों कोई कार काम यहोजा करेगा गैर कानूनी तो अभी वो नाल हो गए कार्रवाई करवावे तो उन्होंने परचे भी करवावे तो जी बंदे को कानूनी सजा होगी तो भी दवाई जाएगी। पठानकोट तो कैमरामैन अभिषेक भारद्वाज के नाल अजय सैनी की रिपोर्ट।